एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं यमी सी भाजी, पाव भाजी की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें बटर, और ये मैं आपको दिखाऊं, देखिए एक कप से इतना ऊपर दिख रहा है ना आपको। ये मैंने अच्छे से धो के गोभी को ले लिया है, गोभी के फ्लोरेट्स हैं, इनको डाल देंगे, ठीक है। और इसको हल्का सा सौते करेंगे। ये गाजर डाल देंगे, क्वांटिटी ना मैं आपको नीचे लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। छोटी सी गाजर ली है मैंने, ये मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब लिया है बीट रूट को। और यहाँ मैं आपको बताऊँ, धीमी गैस पे आप इसको थोड़ा सा सौते करें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीट रूट से आपकी भाजी का कलर बिल्कुल स्वीट स्टाइल भाजी का कलर आएगा, यानी रेड। तो कुछ भी आपको कलर ऊपर से ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीट रूट डालेंगे तो भाजी जो है ना लाल दिखेगी पूरी। इसको थोड़ी सी हम देर सौते करेंगे, इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। गाजर बहुत मीठी आ रही है लाल, इसलिए हमने छोटी सी ही डाली है। अब हम डालेंगे इसमें ये थोड़ा सा पानी, बस हल्का सा डूब जाए गोभी, और ये बस इतना सा पानी हम इसमें डालेंगे। चुटकी भर नमक डालेंगे, और देखिए कलर कितना अच्छा आया है। और गैस को ऑन करके कुकर बंद कर देंगे, 2 विसल लगाएंगे। जब तक कुकर में विसल आ रही है, हम पैन में डालेंगे बटर, बटर वाली पाव भाजी है। थोड़ा सा साथ में डालेंगे ऑयल ताकि ये जले नहीं। और मैं ना इसमें यहाँ सरसों के तेल को मैंने गर्म करके पका के रखा हुआ है, वही डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसमें जीरा, इसमें डालेंगे साथ के साथ हम कटा हुआ प्याज। ये मैंने 3 प्याज हैं जिनको बारीक काट लिया है। इसको हमें ना भूनना है लगातार चलाते हुए, पिंक करना है। जब तक हमारा प्याज भून रहा है, हमने लिए हैं ये उबले हुए 4 आलू, जिनको हमें कद्दूकस नहीं करना है। बस ऐसे हाथ से ना इनको ऐसे तोड़ लेंगे रफली, क्योंकि हम पोटैटो मैशर से भी बाद में मैश करने वाले हैं। प्याज हल्का सा पिंक होना शुरू हो गया है। और ये देखिए मैंने ली है 1 हरी मिर्च, 4 कलियां लहसुन और 1/2 से 1 इंच अदरक। उसको मैंने ना कुंडी सोटे में कूट लिया है, क्योंकि कूटे हुए की खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इस समय हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको भी भूनेंगे, क्योंकि अगर प्याज से पहले आप कई बार लहसुन डाल देते हैं तो वो जल जाता है। तो थोड़ी देर हम इसको प्याज के साथ भूनेंगे। अब हमने ना ये 1/2 कप फाइनली चॉप करके ना फ्रेश कैप्सिकम ली है, शिमला मिर्च ली है, इसको भी हम इसके साथ भून लेंगे थोड़ी सी देर। और ये बहुत जल्दी पक जाती है शिमला मिर्च, एक समझ लीजिए आप मीडियम साइज की, लेकिन अगर किसी को मेजरमेंट करके डालना है तो चॉप करने के बाद 1/2 कप। गैस को धीमा कर दिया है हमने, इसमें हम डालेंगे अब स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा हमने सब्जी में भी डाला है, और रेड जो कश्मीरी रेड चिली है उसका भी कलर के लिए हम, मैं 1 चम्मच ही डाल रही हूँ, आप 1 टेबल स्पून तक डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं पाव भाजी मसाला, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी आपकी बनेगी, और आप इसे बना के देखिएगा, बहुत ही यम्मी लगेगी। कुछ सेकेंड्स के लिए मसाले को भूनते हैं। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा पाउडर, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है, बहुत बढ़िया भुन गया है। ये देखिए 2 टमाटर लिए हैं मैंने काट के, और 1 टमाटर की बना ली है मैंने प्योरी। तो इन सबको डाल के हम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और भुनेंगे। देखिए अब जो भी मसाला नीचे लगा था ना वो अच्छे से साफ हो गया है, क्योंकि हमने प्योरी डाल दी है। और इस प्योरी डालने के साथ ना हमें फिर वो डालने की जरूरत नहीं है पानी, तो ये अपने आप ही बहुत अच्छे से हो जाएगा। जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं होंगे तब तक हम इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे धीमी आंच पे। अब हम कुकर में सब्जियां चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से जब मैश हो जाए ना सब्जियां, फिर आप इनको ऐसे पोटैटो मैशर से ना साथ साथ इसी में कुकर में मैश कर लें। पानी बस लिमिटेड रखें ताकि इसको हमें इजी रहे मैश करना। और यहाँ मैं बताऊँ, बहुत लोग ऐसे कह देते हैं कि बीटरूट डाल दीजिए पीसेस करके,
कभी भी बीटरूट ना जल्दी से गलती नहीं है और वो फिर इस तरह से आपकी मैश नहीं हो पाएगी। तो आप ग्रेट करके ही डालें, कलर भी अच्छा आएगा और गोभी तो बहुत जल्दी एक सीटी में ही, एक दो सीटी में हो जाती है ना। देखिए ये दानेदार हो गया, आप देख रहे हैं ना, टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट है इस समय ना। तो अब हम इस समय डाल देंगे ये उबला हुआ आलू। नमक आप ये सब चीज़ें डालने के बाद ना फिर एडजस्ट कर सकते हैं, पर पहले से ही ज़्यादा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। इसको आलू के साथ भी थोड़ी देर भूनेंगे। कुछ देर हमने भून लिया और अब हम देखिए ऐसे इसको अच्छे से मैश करेंगे पोटैटो मैशर की सहायता से, ताकि वो मोटा मोटा जो आलू है ना वो ख़त्म हो जाए और थोड़ा दरदरापन आए। अब हम इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ऐसे जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ना वैसा हम इसको पानी डाल के बनाएंगे और साथ में ही सब्जियां डाल देंगे जो हमने ऑलरेडी करके बॉईल करके रखी हैं। मैंने ना इसमें आधा बीटरूट बॉईल करके और ग्रेट कर दिया था ताकि कलर और अच्छा आ जाए, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े से मैंने बॉईल करके मटर रखे हुए हैं, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, 1/4 कप के करीब है, और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब आप देखिए ये कंसिस्टेंसी है भाजी की है, तो बिल्कुल आप खुले हुए उसमें बनाइए, पैन में, हैवी बॉटम पैन में बनाइए, क्योंकि जब भी स्ट्रीट स्टाइल जो भाजी होती है ना वो हमेशा हैवी लोहे के तले पे, तवे पर बनती है। तो अगर आपके पास तवा है, ये हरे धनिया से गार्निश कीजिए। अभी हम कटा हुआ पनीर भी डालेंगे ऊपर से, ये पकते हुए इसको हो गया है टाइम, जब तक आप अच्छे से पकाएंगे नहीं तब तक अच्छी भाजी बनेगी नहीं। तो कलर बहुत अच्छा आया है, देखिए बहुत ही बढ़िया टेक्सचर है ये देखिए भाजी का, और बहुत ही टेस्टी है, मैंने चख के देखी भी, बहुत टेस्टी ऐसे दानेदार। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं करती हूँ इसकी प्लेटिंग। देखिए हम पाव कैसे सेकेंगे, पाव में ना हम ये पहले बटर डालेंगे, इसमें थोड़ा सा हम पाव भाजी मसाला डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, स्ट्रीट स्टाइल सेक रही हूँ मैं, और 1 चम्मच के करीब ना हम इसमें भाजी डालेंगे। ठीक है, इसको करेंगे मिक्स अच्छे से, और ये पाव को हमने बीच में से काट लिया है और इस तरह से हम इसको सेक लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको सॉफ्ट करने तक सेक लेंगे, बटर से अच्छे से दोनों तरफ से हम ऐसे ही दूसरा भी सेक लेंगे। आप ऐसे ना पाव सेक के देखिएगा और फिर आप मुझे बताइएगा कि कैसे बने। देखिए कितना बढ़िया पाव सेके हैं, और ये ना इतने सॉफ्ट रहते हैं खाने में कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप खाएंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, जैसे आप बाहर पाव भाजी खाते हैं ना ऐसे। ये देखिए है ना मजेदार, करें प्लेटिंग। और ये देखिए हमने बटर के साथ अपनी भाजी को सर्व किया है, कटी हुई प्याज है, हरी चटनी है, नींबू है, और ये सिके हुए पाव है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से इस तरह से बनाना स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी, यू विल एंजॉय इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।